देखिए लघु स्तंभ लेख, अरे रुक जाइए, अभी रिवीजन करा दे फिर पूछ लीजिए, ठीक है ना। देखिए लघु स्तंभ लेख की संख्या निश्चित नहीं है, अशोककालीन जो लघु स्तंभ लेख का निर्माण हुआ है उसकी संख्या क्या है निश्चित नहीं है, लेकिन पांच स्थानों से जो महत्वपूर्ण है वो मिलते हैं। पहला है सांची लघु स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरा है सारनाथ लघु स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, यानी सारनाथ स्तूप के इर्द गिर्द होगा कहीं पे, और यह सांची लघु स्तंभ लेख वही सांची स्तूप के आसपास होगा या उसी से संबंधित होगा, ठीक है ना। यह हो सकता है वही स्तंभ स्तूप के सामने जो स्तंभ बना होगा उसी पे है, उसी को बोला जाता होगा। इस नाम से ही आप समझ जाएंगे वही है, जहाँ का नाम है वही आपको मिल जाएगा। तो सांची हो गया, सारनाथ हो गया। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, यानी कह सकते हैं कौशाम्बी में है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है। निगलीवा स्तंभ लेख नेपाल की तराई में है, ठीक है ना। रुमनदेही स्तंभ लेख, यह नेपाल के लुम्बनी, लुम्बनी आपको पता ही होगा कि लुम्बनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने वाराणसी में दिया था, ठीक है। तो ये हो गया लघु स्तंभ लेख जो पांच है महत्वपूर्ण, हो सकता है कभी याद है, जानते रहने कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अशोककालीन जो लिपियां हैं, ये जो लघु स्तंभ लेख में जो लिखे गए हैं तो उसमें लिपि का प्रयोग हुआ है, तो अशोक के काल में कितनी लिपियों को मतलब लिखा गया है या अशोक काल में कितनी लिपि प्रचलित थी, तो अगर लिपि होगी तो उसकी भाषा होगी। तो कुल अशोक के काल में चार लिपि और तीन भाषा का प्रयोग हुआ, चार लिपि और तीन भाषा, ठीक है ना। तो उसमें जो लिपि है जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, आर्मेनिक लिपि है, ग्रीक या यूनानी लिपि है, ठीक है। और भाषा में तीन भाषा है, प्राकृतिक भाषा, ग्रीक भाषा, आर्मेनिक भाषा, ठीक। अब पूछिए जो पूछना।